जयपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से, कानपुर से जुड़े हुए थे हमारे साथ नीतीश। अब जयपाल का रुख करते हैं। जयपाल, वहां पर पारा कितना अब गर्म नजर आ रहा है और सड़कों पर क्या लोग नजर आ रहे हैं अब? बिल्कुल, देखिए बनारस का पारा बिल्कुल हाई हो चुका है और आज साल का सबसे गर्म दिन है, यानी 42 डिग्री को पार कर चुका है ये टेम्परेचर। लगभग 43 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी बनारस का दर्ज किया गया है। और अगर सड़कों पर हालत दिखाए तो देखिए इस वक्त यहाँ पर सड़कें गुलजार हुआ करती थी। ये इंग्लिशिया लाइन का वो क्षेत्र है जहाँ पर रेलवे स्टेशन से निकलकर तमाम वो लोग भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहते हैं और अपने अपने गंतव्य को जाते हैं। लेकिन अभी जो देखिए ऑटो हो टोटो हो वो सब खाली नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको अगर दिखाएं लस्सी के दुकानों पर, जहाँ ये दुकानें अमूमन गुलजार रहा करती थी, लोग यहाँ पर लस्सी पीने आया करते थे, गला तर करने आते थे। लेकिन गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में ये जो लस्सी की फेमस दुकान है वो भी सूनी नजर आती है। हमारे साथ लस्सी विक्रेता भी है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आपने बढ़िया एकदम लस्सी बना के रखी है लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। गर्मी इतना ज्यादा पड़ जा रहा है, इस वजह से लोग निकलना नहीं चाह रहे हैं घर से बाहर। बाकी दिनों में तो लस्सी पीने आते हैं। बराबर बराबर। गर्मी से बचाव कैसे कर रहे हैं? गर्मी से बचाव कैसे होगा, बस यही ठंडा ठंडा पी रहे हैं। गन्ना ना लगा हुआ है, वही पन्ना ना गन्ना या ठंडा पानी से ही राहत होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी नज़र आ रही है, गर्मी बढ़ी है। देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी जाने। चाचा, गर्मी बढ़ रही है क्या? बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप क्या करते हैं? ई रिक्शा चला रहे हैं। ई रिक्शा में अभी लोग बैठने आ रहे हैं? अभी तो सवारी पता है ही नहीं। पता है अभी सवारी कोई भी पता नहीं है सर, देख लीजिए आप लोग। सवारी नहीं आ रही है, एक सवारी नहीं आ रही, देख लीजिए कितना सन्नाटा मचा हुआ है, देख लीजिए सर। ये सड़कों पर सन्नाटा, देखिए यहाँ पर भी है एक लस्सी की दुकान, यहाँ पर भी, इनसे भी जान लेते हैं। आपकी भी दुकानें गुलजार रहती थी, लोग लस्सी पीने आते थे, अब गर्मी में लस्सी क्यों नहीं पीने आ रहे हैं? गर्मी ज्यादा है क्या? गर्मी तो बहुत है सर, लोग नहीं निकल रहे घरों से। घर से तो निकल नहीं रहे, इसमें बाजार किसी का नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। और लस्सी देते कैसे हैं? लस्सी 30 का देते हैं, 20 का देते हैं। अच्छा, लोग पीने के लिए आते हैं? आते हैं, लेकिन इसमें उतना बाजार नहीं है। बाजार नहीं है, लेकिन गर्मी ताबड़तोड़ बनारस में पड़ रही है और रिकॉर्ड तोड़ इस गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और सड़कें, लोग जो कामगार होते हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। खासतौर पर लस्सी की दुकानें, जो बनारस लस्सी के लिए फेमस हुआ करता है, आज उन लस्सियों की दुकान पर भी आप देखेंगे कि लोग नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी मार पड़ रही है गर्मी की बनारस में। इस वक्त लोग बेहाल नजर आते हैं और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में और भी ताबड़तोड़ गर्मी पड़ेगी और 25 मई को हो सकता है कि छिटपुट बारिश हो, जिसके चलते लोगों को राहत मिले। लेकिन राहत के आसार अभी 1-2 दिन तक बिल्कुल नजर नहीं आते हैं और यही काशी वासियों के लिए मुश्किल भरा दिन है, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से अगर देखें तो घाटों पर भी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। अमूमन शाम के वक्त यहाँ पर लोग घाटों पर जाते रहे हैं, लेकिन गर्मी की वजह से शाम को भी लोग घाटों पर पहुंचने से परहेज कर रहे हैं। एक तरफ जहां विदेशी पर्यटक सड़कों पर घुमा करते थे, गलियों में घुमा करते थे, आज वो बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब गर्मी ज्यादा हो रही है और ऐसे में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। विशाल का एक बार फिर से रुख करते हैं। विशाल, इस बार जिस तरीके से गर्मी की जब शुरुआत हुई तो लोगों को काफी राहत मिली, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी होती थी उसके बाद बरसात हो जाती थी, फिर गर्मी होती थी फिर बरसात। काफी पैटर्न चेंज हुआ इस बार मौसम का, लेकिन अब लग रहा है कि अब इतनी बारिश नहीं होगी और अब इतनी जल्दी राहत मिलने वाली नहीं है। देखिए बिल्कुल यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो गर्मी से काफ़ी परेशान हैं। और आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि जो गन्ने का जूस है वो इस वक्त लोग पी रहे हैं। इस बार गर्मी पड़ रही है, बहुत कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो बहुत है, गर्मी बहुत है। इस बार जो है बारिश होने के आसार बहुत अभी कम दिखाई पड़ रहे हैं, तो गर्मी से कितनी आप लोग परेशानी हो रही है सड़कों पर? जी जी, सड़कों पर बहुत धूप की वजह से बहुत परेशानी हो रही है और गन्ने का सब लोग रस पीने के लिए खड़े हैं। देखिए ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गन्ने का जो जूस है वो यहाँ पर लोग पी रहे हैं। उनसे बात करते हैं, भैया गन्ने का जूस पी रहे हैं, राहत कुछ मिली गर्मी से? हाँ, बहुत राहत मेरे गन्ने के जूस पीने से मिल रही है। अभी कितनी गर्मी लग रही है? अभी तो 40 ऊपर हो गया, 50। परेशानी हो रही है बहुत। देख सकते हैं आप कि हमारे ठीक पीछे जो है तमाम जो लोग हैं वो गन्ने का जूस पी रहे हैं। गन्ने का जूस पी रहे हैं, कुछ राहत मिल रही है आपको? जी, गन्ने के जूस से तो राहत मिलेगी, मिल रही है जी। और ऐसे जो है सड़कों पे निकल रहे हैं? अरे निकलने की इच्छा नहीं हो रही, वो तो दाढ़ी बाल कटवाने थे तो आना पड़ा, वरना फिर तो भैया। क्या नाम है भैया आपका? सजादे। बताइए कि गन्ने का जूस पीने से कुछ आराम हुआ है क्या? बिल्कुल आराम भाई, धूप बहुत तेज हो रही है, अब क्या बताएं।
देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये गन्ने के जूस की दुकान पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि गन्ने का जूस जरूर पी रहे हैं, थोड़ा सा राहत फौरी तौर पे जरूर है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पारा बढ़ रहा है। जयपाल का भी रुख करते हैं, जयपाल क्योंकि वाराणसी में अधिकतर जो सैलानी है जो पर्यटक है पहुंचते रहते हैं, क्या लगता है ये जो सीजन होता है इसमें क्या ज्यादातर सैलानी पहुंचते हैं? जयपाल मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो लौटेंगे जयपाल का रुख करेंगे, विशाल हमारे साथ बने हुए। विशाल अब जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर अब धीरे धीरे गर्म ही रहने वाला है और अब ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं लोग कोशिश करेंगे कि घर से बाहर निकलें और जो पेय पदार्थों का ही सबसे ज्यादा सेवन करें जिसकी वजह से इसी से बचाव हो सकता है और इसी वजह से लोगों की भीड़ यहीं पर ज्यादा नजर भी आ रही है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर यही वजह है कि लोगों को थोड़ा सा जो है इस वक्त अपने आप को बचा के रखना है, खासतौर से जो तमाम जो लोग जो यहाँ पर सड़कों पर निकल रहे हैं उनको इस बात का विशेष जो है ध्यान रखना है। क्यों आप लोग जब बाहर निकल रहे हो तो किस चीज़ का ध्यान रख रहे हो? घर से जब निकलते हो तो क्या कपड़ा अपना सर पर बांधते हो? कपड़ा बांधते हैं और टोपी लगाते हैं, छतरी ले लें तो गर्मी से राहत मिल जाता है। अच्छा, बहुत ज़रूरी काम होता तभी निकलते हो या ऐसे निकल जाते हो? नहीं ऐसे नहीं निकल, जब काम होता कोई जरूरत तब। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो जूस है वो जरूर लोगों को थोड़ा सा राहत दे रहा है, लेकिन फौरी ये राहत कह सकते हैं क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें तो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि नजारा जो है वो अगर हम सड़कों का बताएं तो सड़कों पर इस वक्त जो है बहुत ज्यादा सन्नाटा सा दिखाई पड़ रहा है। सावधानियां बरतनी जरूरी है, इस हीट वेव से अपने आप को कवर करें और पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें जिससे कि गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका भी और जयपाल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।